कुछ बोल क्यों ले रहे हो? एल्विस बॉय। दोस्तों, अगर आप लोगों ने गुल्ली बुली और आईफोन वाली चुड़ैल हॉरर स्टोरी के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी पूरी तरीके समझ में नहीं आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी है। दोस्तों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि गुल्ली बुली सॉन को बचाने के लिए दो कंकाल का पीछा करते करते आईफोन वाली चुड़ैल के गुफा के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद गुल्ली बुली देखते हैं कि एक कंकाल चैन से सॉन को काटने जा रहा होता है। तभी गुल्ली सॉन को बचाने के लिए उस कंकाल के सामने आ जाता है। आईफोन वाली चुड़ैल गुल्ली को भी मारकर वहीं पर लेटा देती है। ये सब देखकर बुल्ली की चीख निकल जाती है और वो वहां से भाग जाता है और सारे लोग उसका पीछा करने लगते हैं। अब बुल्ली बाबा को बुलाने के लिए जा रहा है। बुल्ली रास्ते में एक ऑटो देखता है। बुल्ली उस ऑटो में बैठ जाता है, लेकिन वो ऑटो चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि आईफोन वाली चुड़ैल होती है। और अब आगे देखिए, गुल्ली बोलता है, काली पहाड़ी पर जाने का ये रास्ता मैंने पहली बार देखा है और ये रास्ता भी काफी ज्यादा सुनसान लग रहा है। छोड़ो, कोई बात नहीं, पर तुम जल्दी जल्दी मुझे काली पहाड़ी पर लेकर चलो, क्योंकि काली पहाड़ी पर मेरे बाबा बाबा लंगोटीलाल रहते हैं। आईफोन वाली चुड़ैल कुछ भी नहीं बोलती, बस वो आगे चली जा रही है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो चुड़ैल ऑटो को वहीं पर रोक देती है। गुल्ली बोलता, क्या हुआ, तुमने ऑटो को यहाँ पर क्यों रोक दिया? मुझे काफी लेट हो रही है और मुझे जल्दी जल्दी बाबा लंगोटीलाल के पास जाना है। लगता है कि तुम्हें यहाँ पर किसी सवारी का इंतजार है। ऐसी सुनसान जगह पर तुम्हें एक भी सवारी नहीं मिलेगी। अब जल्दी से गाड़ी को आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हें डबल भाड़ा दूंगा। लेकिन अभी भी वो चुड़ैल कुछ नहीं बोलती। गुल्ली ऑटो से झाँक कर पीछे देखता है। पीछे से दो कंकाल गुल्ली की तरफ ही आ रहे हैं। गुल्ली ये जैसे ही देखता है वो अंदर छुप कर बैठ जाता है। गुल्ली बोलता है, जल्दी से ऑटो को आगे बढ़ाओ, पीछे से मेरे दो दुश्मन आ रहे हैं। अगर वो दोनों यहाँ पर आ गए तो वो दोनों मुझे भी टांग कर यहाँ से लेकर जाएंगे। गुल्ली बोली रहा होता है, तभी गुल्ली के अगल बगल दोनों कंकाल आकर बैठ जाते हैं। गुल्ली बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था जल्दी से ऑटो को आगे बढ़ाओ, अब ये दोनों अंदर आकर बैठ चुके हैं। अब ये दोनों मुझे भी अपने साथ लेकर जाएंगे। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? एल्विस बॉय। गुल्ली आईफोन वाली चुड़ैल को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और अब ये चुड़ैल गुल्ली को उसी कब्रिस्तान में लेकर जाएगी जहाँ से गुल्ली भाग कर आया था। चुड़ैल कब्रिस्तान का दरवाजा तोड़ते हुए कब्रिस्तान के अंदर चली जाती है। लगता है कि गुल्ली के मार के कारण चुड़ैल काफी ज्यादा गुस्से में है। चुड़ैल गुल्ली को ऑटो से निकाल कर पहले तो उसे बहुत मारती है। उसमें से एक कंकाल बोलता, अभी इसे मारना बंद करो, क्योंकि अगर ये मर गया तो तुम्हारा आईफोन वापस तुम्हें नहीं मिलेगा। सारे कंकाल गुल्ली बुली और सॉन को बांध देते हैं। मेरा आईफोन मुझे वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। उसमें से एक कंकाल बोलता है, मुझे पता है कि इन लोगों से तुम्हारा आईफोन कैसे निकलवाना है। और फिर सॉन पर घूसों की बरसात चालू हो जाती है। लेकिन इधर बाबा ध्यान लगाकर गुल्ली बुली और सॉन पर हो रहे अन्याय को देख रहे हैं। बाबा अपनी आँख खोलते हैं। लगता है कि अब बाबा गुल्ली बुली और सॉन को बचाने वाले हैं। बाबा बोलते हैं, बहुत हुआ, अगर अब मैं गुल्ली बुली और सॉन को बचाने के लिए नहीं गया तो फिर वो सारे दरिंदे गुल्ली बुली सॉन को नोच डालेंगे। और फिर बाबा अपनी बाइक पर बैठकर गुल्ली बुली सॉन को बचाने के लिए निकल जाते हैं। और इधर सॉन बोलता है, जितना मारना है मार लो, अगर बाबा यहाँ पर आ गए तो वो तुम लोग को छोड़ने वाले नहीं है। कंकाल बोलता, हाँ मैंने भी बुड्ढा का बहुत ज्यादा नाम सुना है, लेकिन वो बुड्ढा मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। एक बार वो बुड्ढा मेरे सामने तो आकर देखा है, उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन कितना पावरफुल है। कंकाल की बात सुनकर सॉन जोर जोर से हंसने लगता है। सॉन बोलता है, बहुत हुआ मजाक, अब जरा अपने पीछे देखो, तुम्हारा बाप आ चुका है। गुल्ली जोर से चिल्लाकर बोलता है, बाबा इन लोगों को छोड़ना मत, इन लोगों ने हमें बहुत परेशान किया है। उसमें से एक कंकाल बोलता है, ये बुड्ढा हम लोग को मारेगा। और इतना बोलकर सारे लोग हंसने लगते हैं। उन लोगों के हंसते देख बाबा का टेम्परेचर हाई हो जाता है। सॉन बोलता, बाबा इन लोगों ने बहुत हंस लिया, अब इन लोगों को दिखा दीजिए आप क्या चीज है। बाबा बोलते, तुम लोग एक साथ आओगे या फिर एक एक कर कर। उसमें से एक कंकाल बोलता, लगता है कि इस बुड्ढे में बहुत ज्यादा गर्मी है, रुको अभी मैं इसका गर्मी ठंडा करता हूँ। और फिर वो कंकाल जाकर बाबा को एक जोरदार घूसा मारता है, जिससे कि बाबा सीधे ऑटो के अंदर जाकर गिरते हैं। बाबा को इस तरह लात खाते हुए देखकर गुल्ली बुली सॉन तो मायूस हो जाते हैं।
इसे तो मैंने अकेले ही लेटा दिया, अब देखो हम सब कोई मिलकर इसका क्या हल करते हैं। और फिर सारे कंकाल बाबा की बोटियां नोचने के लिए ऑटो के अंदर घुस जाते हैं। और फिर तभी सोन बोलता है, लगता है कि बाबा फॉर्म में आ चुके हैं, और जिस कंकाल ने बाबा को मारा था बाबा उस कंकाल की मुंडी को ही अलग कर देते हैं। और ये देखकर तो बाबा भी डर जाते हैं। उस कंकाल की ऐसी हालत को देखकर सारे कंकाल वहां से भागने लगते हैं। सारे कंकाल तो यहां से भाग चुके हैं, बस ये आईफोन वाली चुड़ैल यहां पर अकेली पड़ चुकी है। बुल्ली बोलता है, बाबा सबको छोड़ो और इसे तोड़ो। और फिर बाबा उस आईफोन वाली चुड़ैल को डर भरी नजरों से घूरने लगते हैं। लगता है कि बाबा बहुत ज्यादा गुस्से में है। बाबा का गुस्सा देखकर वो आईफोन वाली चुड़ैल वहां से भाग जाती है। सोन बोलता, बाबा पहले आप हमारी रस्सियों को खोलो, उसके बाद हम सब कोई मिलकर उस चुड़ैल को खोजेंगे। बाबा अपनी शक्तियों से उन सभी की रस्सियों को खोल देते हैं। गुल्ली बोलता है, अब हम लोग को जल्दी जल्दी इस चुड़ैल को खोजना होगा, नहीं तो ये यहाँ से भाग जाएगी। सोन बोलता, हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, वो ना हो ये चुड़ैल जरूर इसी कब्रिस्तान के अंदर छिपी हुई है। अब हम लोग को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, हम लोग अलग अलग उस चुड़ैल को खोजते हैं। और फिर सारे लोग उस चुड़ैल को खोजने के लिए अलग अलग निकल जाते हैं। गुल्ली बोलता, पता नहीं ये चुड़ैल कहाँ चली गई, यहाँ तो मुझे कहीं भी नहीं दिख रही। और इधर बाबा बुल्ली और सोन भी उस चुड़ैल को ही खोज रहे हैं, लेकिन ये चुड़ैल तो कहीं दिखने का नाम ही नहीं ले रही। तभी सोन को आगे झाड़ियाँ हिलती हुई दिखती है। सोन आगे बढ़कर देखता है तो वो चुड़ैल काफी ज्यादा कांप रही होती है। सोन बोलता है, मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इसे मारने के लिए। और फिर सोन उसी झाड़ी में कूद जाता है और उसे मारने लगता है। इतनी जोर जोर से पिटाई की आवाज सुनकर सारे लोग वहां पर आ जाते हैं। गुल्ली बोलता, बाबा आखिरकार इस झाड़ी में कौन इतना पीट रहा है, कहीं हमारा सोन तो नहीं, और यहाँ पर तो सोन कहीं दिख भी नहीं रहा। तभी झाड़ी के पीछे सोन उस चुड़ैल को घसीट कर बाहर लेकर आता है। गुल्ली बोलता, वाह सोन तुमने तो इसे अकेले ही सबक सिखा दिया। सोन बोलता, ये सब मैंने बाबा से सीखा है, हमारे बाबा इतने बूढ़े होकर भी बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर से बैल की तरह भिड़ जाते हैं, और जब बाबा अपना स्ट्रीम मोड ऑन कर सांड के जैसा पागल हो जाते हैं तो किसी में भी नहीं सुनते। बाबा अपनी तारीफ सुनकर बाबा शर्माने लगते हैं। बाबा बोलते हैं, बस करो सोन अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, नहीं तो मैं खुशी के कारण ही मर जाऊंगा, और ऐसे भी मुझे अभी 50-60 साल और जीना है। बाबा की बात सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं। लेकिन रुको रुको, अभी पूरी तरीके से वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी बाबा और चुड़ैल का डांस तो देख कर जाओ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दें। तब तक के लिए बाय बाय।